आज 16 अक्टूबर 2021 है। अभी हमारी छोटी बेटी अंजलि की ननद इलाहाबाद में जो रहती हैं, अच्छा सा नाम याद नहीं आ रहा है, इलाहाबाद से रायबरेली और रायबरेली से गई हैं उन्नाव, वहाँ उनकी बड़ी बहन के यहाँ कोई काम करता है। अचानक उन्होंने देखा तो हमने कहा एक बात बताइए, आप जो YouTube पर देखती हैं जो हम बोलते हैं, कहें हाँ हाँ, तो हमने कहा कभी आपने कमेंट लिखा? तो हंसने लगी, कहीं नहीं मैं देख, हम कहा कमेंट बोलो, तुम नहीं बोलोगे तो क्या तालिबान वाला बोलेगा है? खैर, तो अब आइए थोड़ी मतलब की बात हो जाए, ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषण नहीं देंगे क्योंकि उसका घास काट चुके हैं, धूप में बैठे हैं, थोड़ा हो जितना काट ले। तो कहने भुवन सिंह आए बेचारे, हाथ से उखाड़ के वहाँ एक ढेर हाथ से उखाड़ लिया। खैर, हमने कहा लो हम भी काटते काट के दे रहे हैं, आज भी लेबर गाय, यहाँ कोई त्यौहार आ गया फिर 2-3 दिन लेबर गाय, बस सस्ता अनाज उनको मिल रहा है, बैठे बैठे पेंशन मिल रहा है, काहे लिए कोई मजदूरी करेगा? ठीक है भैया, आराम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बेरोजगारी का रोना मत, वरना इतने लाठी मारेंगे। बेरोजगारी अगर होती ना तो कम से कम पंचे में आदमी भरे पड़े होते, लोग खुशामद करते बाबा आज हमको लगा दो, कोई पास 300 रुपया पर डे, 9 बजे आएंगे, 9 बजे और 5 जहाँ बजा नहीं गए, और दोपहर में 1 घंटे के खाने की छुट्टी, बोलो पहले 8 था, है चलो जो है सो है। एक मतलब की बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा वहीं छहरे में आ जाऊँ, मतलब की बात ये मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ नोट करो, हम हवा में बातें नहीं करते हैं, इतना काट दिया ढेर देखा है ना जी, इतना काट, मैं हवा में नहीं बातें करता हूँ, बैठ जाओ। अंधेरा आ रहा आपके चेहरे पर? चेहरे में अंधेरा आ रहा है? अच्छा, तो धूप में मत जाइए लेकिन। हाँ धूप में नहीं, अच्छे काम करो आप, इधर बैठ जाओ, अब चेहरे पर लाइट चाहिए, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आप ठीक, अब है लाइट है, है? गड़बड़ी हो तो और थोड़ा इधर हो जाओ क्योंकि सूरज स्क्रीन पर लग रहा होगा। नहीं ठीक है, है आ रहा है। अच्छा देख रहा है जी, चलो ठीक। हमारा मतलब कि हम लोग जो बातें करते हैं वो चैलेंज कर देते हैं जी, अब चैलेंज करने के बाद अगर आप चुप हैं तो ये बताइए कितने थप्पड़ मारे हैं हम आपको, कितने भेंट मारे, अगर आप हम चैलेंज कर रहे हैं आप चुप हैं, चुप क्यों हो भाई, जवाब दो भाई। जैसे ठाकुर रत्नेश्वर जी ने 2 करोड़ का इनाम रखा और क्या, तो कहीं लोग कहे खामोश है, रत्नेश्वर सिंह ने रखा, तन्ना जी ने भी रखा है, तन्ना जी ने भी रखा, अरे बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत बहुत कर रहे हैं। और हमने शांति लाल से कहा, हमका भैया वो एकदम से रोटी बना, माना कि आपने वर्ल्ड में पहला काम किया, लेकिन वो काम किस काम का जो फ्लॉप हो जाए, पैसे भी आपके चले गए, इसलिए बूढ़े बुजुर्गों की राय लेना जरूरी है। अब हमारा इलाका, अब हमसे राय लेते, अब हमारे इलाके में सोचे कि अब हम दूसरे से हम साधु बन जाएंगे, लोग यही कहे, कहें लोग दूसरे से हम साधु बनना चाह रहे थे, तब न इधर के हुए न उधर के हुए, हमका लेकिन फिर भी वो आदमी धर्मात्मा है, 50,000 रुपया लगा के उस बछिया को दिल्ली ले गया, मामूली बात है, इस काम को किसी बड़े महात्मा ने किया, किसी शंकराचार्य ने किया? खैर, ये भुवन सिंह जो कैमरा लेके बना रहे हैं, मैं इनके बारे में यह बताना चाहता हूँ, हमने कमेंट में भी लिखा, अभी निगाह पड़ गई मेरे पास, इतना समय कहाँ, बस पंखा में देखते, यहाँ जाएंगे पंखे में बैठेंगे, अभी बंदर के लिए आटा लाना है जा करके तुरंत, क्यों अभी लड़की आएगी बनाने वाली, तो अभी आटा ला के रखना है। सुखो बहू से कहो, देखो हर काम भगवान सबसे धर्म का काम नहीं लेते हैं, उनसे कहा मैं तो लखनऊ में हूँ, अरे लखनऊ में हो तो चिंता करो, सोचो कि हनुमान जी का काम है, सबसे भगवान काम नहीं लेते हैं, बिरले लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र में एक तन्ना ही क्यों निकला बोलिए आप, क्यों निकला, युद्धस्तर से लग गया, सही बात, ठीक, शांति लाल आए आए, लेकिन चलो जो किया किया, लेकिन वो किस भाई, आपने कोई बाहरी काम किया, अब वो सारी योजना बेकार हो जाए, किस काम की योजना, पैसा भी गए और काम भी नहीं हुआ। तो हमने शांति लाल जी से हम कहा आप तन्ना जी से सीखो, तन्ना जी की मदद करो, जो काम कर रहा है वो आदमी उस आदमी की एक हॉबी है, तन्ना की एक आदत है,
लोगों को सम्मान देना, लोगों को बढ़ाओ। आपको देखा इतना काम कर रहे हो, आपको आपका बड़ाई किया जी, तो उत्साह बढ़ाओ। खैर, हमारा कहने का मतलब है कि भुवन जी ने लिखा कि अब बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा कि आने वाले समय में ऐसा ही सम्मान आपका भी होगा। और भुवन सिंह एक बात याद रखो, और बल्कि ये कहा कि उसको नोट करके रख लो, कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जो कोई हो, कोई भी हो, किसी जात का हो, धर्म का हो, उम्र का हो, कोई भी हो, चाहे परिवार का ही क्यों ना हो, जो मजाक उड़ाएगा वो भीषण संकट में पड़ जाएगा, और जो विरोध करेगा वो मर जाएगा। रुके मरे जो घोर विरोध करे, एक विरोध होता है थोड़ा नाराज हो गए तो घर में तो सभी नाराज होते हैं। क्या हमारी पत्नी नाराज हुई, हमारी माता नाराज हुई, हमारे भाई भाई परिवार कहे साला हमारा नाक कटाता है, भाई इतने बड़े पत्रकार, वो जब यहाँ बड़े बड़े मंत्री मंत्री बुआ सिंह जैसे SP वगैरह सब आते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे उनके यहाँ, मतलब एक बड़े वरिष्ठ पत्रकारों में उनका नाम था। और जब देखे अखबार में हम छप रहे तो हमारे बहुत अखबार वाले डर के मारे नहीं छापते रहे इनके भाई के वजह से, तो कभी कभी कोई छाप देता था तो यही बोले कहीं साला नाक कटाता है हमारा भाई इतना बड़ा पत्रकार, और भाई एक भाई जो है अपने तो अपने बेटी को लेके, भाई अब उनकी भतीजी तो कही जाएगी है, अब बताओ यही रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ बनी है उस समय रजिस्ट्री ऑफिस थोड़े रहा, उस समय रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ नहीं था, वो अंदर की तरफ रहा कहीं। सही सही। अब वही हमारी यही गीता और अंजलि छोटी छोटी सी गधे के पैर सड़ गया, बदबू भयानक, अब कीड़े निकाल दोनों में। अब उस समय ना कैमरा भी नहीं था फोटो खींचने वाला, बोलो, लेकिन लोग तो गवाही हैं, गवाही है, एक अखबार ने तो छापा है। सही बात। तो अखबार तो बोल रहा है, बिल्कुल निस्वार्थ निस्वार्थ से निस्वार्थ भावना आज भी जीवित जीवित, लखनऊ मेल की खबर है। सही बात। तो अब इसीलिए आप आपका परिवार अजूबा है, है? आपका परिवार हाँ, किसी अजूबे से कम नहीं है, कम अरे देखिए हमारे संस्कार पड़े ना, जो श्रीमती जी विरोध करती थी उनसे भी कनाडा वाली बीना जी ने कहा, कहें बाबा जी कुछ भी हो उनको इसलिए ना कुछ कहिए कि जीवन भर आपके साथ लगी थी, वो काम किया, विरोध किया, मन से किया, बेमन से किया, किया तो सही बात। अब आप यही ईमानदारी से बताइए, आप तो मंदिर वाले लंगोटा वाले बाबा के आप भगत रहे, लंगोटा वाले मतलब जो केवल भोज भंडारा मंदिर से लगे रहे, हाँ। कितनी मेहनत करते थे, बहुत, कितना वक्त बर्बाद किया, वहाँ मंदिर से छोड़ा के लाने वाले कौन है, आप है मेहनत, यह बताओ जब तक मंदिर में रहे तब तक आप दवाई खाते रहे जी, जब भोज भंडारे में लगे रहे तब तक आप दवा खाते रहे, और जब आप हमसे जुड़े तो धीरे धीरे दवा जो है वो खत्म होता गया। सही बात है। और आज आप इस कंडीशन पर हैं कि मैंने आपसे कहा है कि आप ज्यादा नहीं 5 साल के बाद कोई आपसे निगाह नहीं मिला पाएगा, और अभी मैं प्रेजेंट टाइम पर बात करता हूँ, प्रेजेंट टाइम पर, कि अगर आपको कोई दुख पहुँचाएगा, मतलब हार्दिक कष्ट अगर आपको पहुँचाया मनसा बाचा कर्मणा, तो वो भुगत जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी। अब हमारी जीवनी के बारे में आज थोड़ा जल्दी में फिर बताएंगे, इन घटनाओं से सीखो जी भाई। जिन लोगों ने कहा गोली मारेंगे, हमारे सगे साजे के बड़े लौके ने कहा गोली मारेंगे, वही सब अब भरी जवानी में मर गए। अरे दे 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 दे। ये मरा हुआ है, नहीं नहीं ऊपर चला गया, भाग गया, भाग गया, हमको लगता है मर चुका है। नहीं नहीं वो भाई अब बेहोशी हालत में वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ ऊपर इधर ही गया, हिलाइए है, हिलाइए तो इसी में कहीं बैठा है, चलो हटाओ छोड़ो, इतना प्रयास किया आओ, अब नहीं लाने दो, आइए। तो कहने का मतलब है कि
वो आ गया, ये 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 गिरा दिया, गिरा दिया, गिरा दिया मैंने, गिरा ये गिरा, ये ये लाओ, ये गिराया, ये देखो, देखा अचेत अवस्था में है, ये देखिए आपका रहत, ये मर गया, मर गया। आप आओ बेटा आओ, ये बताइए ना, आओ बताइए इनको, ये इसका इलाज है पत्ता, जहाँ यार देखिए मरा है कि जिंदा है, जिंदा है यार, ये देखो या तो यह डर रहा हो तो हम वो करेंगे तो इसको छिपा देंगे कहीं, अभी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, पैर हिल रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये देखो इसको पानी दिखा दें, आओ यही दिखाओ, यही सब देखो, देखिए चीज पर निगाह रखो, आओ देखिए चीज पर निगाह रखो, ये तो परीक्षा है, भगवान परीक्षा लेते हैं, दिखाओ देखिए, देखो पानी जब घायल हालत में उसको पानी चाहिए, इतना बड़ा रहा ना वो, देखो ओल नहीं पा रहा था, ठीक ये हुआ। अब इनको क्या करेंगे, इनको अंदर रख लें, है ना जी, थोड़ा अंदर रख लें जी जी, ताकि ये इनको किसी डिब्बे में रख लें, फिर इनको हम अंधेरे में छोड़ेंगे, शायद अपनी जान बचा लेंगे, यहाँ रख लो, कहाँ आ गई, अरे सुनो अभी हम जाए थे आटा लाते, जाने हो अभी आज है, आज बन गई आटा है, हाँ इधर देखा, तो जाओ फिर बना दे, नहीं तो आटा कहाँ है, अरे वो गेट बंद है, अच्छा अच्छा तुम अंधेरे से तो आई हो, तो कहा खोली आए क्या, कहा आज बन जाएगी, तो अच्छा अभी जाके आटा लाना है बंदरों के लिए, तो आइए इधर आइए, तो कहने का मतलब है कि 99% लोगों के दिमाग में है रामायण कहवा दो, कथा कहवा दो, पंडित को बुला लो, वगैरह वगैरह, तो अभी ऐसा खोलो कहा तुम, अच्छा अच्छा ठीक ठीक अंदर से खोल दे, हाँ तो आटा आज भर के है ना पूरा, ठीक हम यही लागे पहला काम करें, अब लेके जाके, अब देखो सुखो बाबू से मैंने कहा, मैं तो अभी लखनऊ में हूँ, अरे लखनऊ में है तो बंदर का काम है कुछ, मैंने कोई भगवान सबसे सेवा नहीं लेता है, याद करो, और इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत वाली बोल देते हैं, सही सही, हाँ आपके साथ कौन सी घटना घटेगी हमसे पूछो हम बताएंगे आपको, सही सही, सब हमने आपके बारे में बोल दिया जी जी जी, पर 5 साल के बाद कोई निगाह से निगाह नहीं मिलेगा आपसे जी, नंबर एक, नंबर दो प्रेजेंट टाइम पर अभी शुरुआत है, अभी आपके पुण्य का पौधा जो है इतना बड़ा हुआ है जी जी ठीक जी, अभी जवान नहीं हुआ जी, लेकिन इतने बड़े में बाल समय रवि भक्त लियो, हनुमान जी की भक्ति करने वाला वो शुरुआत में भी चमत्कार होता है जी बाबा, कि जो कुछ आपने चमत्कार बताया हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल तब कि जो किसी ने कुछ कहा कि हम तुमको ये करेंगे, भतीजे ने कहा गोली मारेंगे भाई, उसमें पत्नी का भेजने उजने में कोई, और हमारी तमाम शिकायत करी पड़ी रही क्या पागल है, घर का सारा पैसा जो मुआवजा का मिलता है सब गधे को टेढ़ा मशीन लगवा रहा है, तब अब भाई सुन सुन के भोगुर रहे थे, सही है इसे किसी बात से उसने कहा, हमने कहा भैया यहाँ नहीं है, तो कहें वहीं आके गोली मारेंगे, अच्छा ठीक, और 2 साल के बाद हट्टा कट्टा नौजवान मर गया, वही बता रहा, 2 साल के बाद वही बता रहा हूँ मैं, तब ये क्या है, यही है अचानक हट्टा कट्टा मर गया, क्यों मर गया भाई, क्यों ऐसा हुआ, गोली मार रहे थे, इसीलिए तो हम आपके ऊपर गारंटी लेते हैं सब, इसीलिए तो हम आपके ऊपर गारंटी लेते हैं कि आप जो बात बोलते हैं हमने देखा भी है वो सत्य होती है, बहुत सी चीजें आपने कहा उनका ट्रांसफर हो जाएगा, आपने उनके भुंडल के बारे में कहा उनका मंदिर वंदिर सब चला गया, चला गया हाँ, 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 जहाँ पर जब हम प्रणाम करते थे उस मंदिर में, मंदिर तो आप बोलते थे कि मत करो प्रणाम, हाँ, हाँ, ये मंदिर नहीं है, हाँ, हाँ, और मंदिर होता है तो वाकई में जाता क्यों, जाता क्यों यहाँ बंदर भगाए जा रहे हैं, यहाँ कुत्ता पाला जा रहा है कि बंदर का शिकार हो,
नहीं, अब आप ये बताएं कि जिसने हमारी बातों का भंडारे में समर्थन किया उसका काम हो गया, काम हो गया। और जो लोग इतराज कर रहे थे, फड़का रहे थे, फड़का रहे थे, सब उनके साथ कहीं चमत्कार हुआ। वही चीज तो हमारा कहने का मतलब है कि आप सभी लोग केवल बोलो, आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल बोलना है, आवाज उठाओ, करोड़ों लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाओ ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है बाबा जी कि ना हमको कहीं तीर्थ जाना पड़ रहा, ना हमको कहीं गया करने जाना पड़ रहा, ना हमको कहीं है जो दूर जाना पड़ रहा, बगल में ही हमको गुरु जी स्वामी जी हमको दर्शन दे रहे हैं। नहीं, स्वामी जी तो दे रहे हैं, जो काम कर रहे हो और रास्ता बता रहे हैं वो बड़े बड़े महात्माओं ने नहीं किया। नहीं कोई महात्मा हो हिंदुस्तान में वो बता दे जी, अस्पताल में जाए, पशु अस्पताल में जहाँ कोई पानी न देने वाला हो, सही पट्टी बांध दिए, काम खत्म, पट्टी में भी कीड़े अंदर घुसे मिलेंगे। अस्पताल बन गया है इस समय गौशाला, गौशाला, गौशाला बन गया है, और गौशाला इसलिए बन गया है कि वहाँ बढ़िया घास हम लेके जाते हैं, खिलाते हैं, खिलाते लगता हैं। है कि गौशाला है कोई, और पानी पिलाते, पानी हैं, पिलाते अकेले हैं। और उसने पूरा स्टाफ देख रहा है गड्ढा देने वाला। ये लिहाजा हमारी सरकार की ये मांग है कि हमको अस्पताल वालों कोई, हम अस्पताल वाले की बुराई करेंगे, आप उनको पर चढ़ाई करेंगे, उनको एक बहाना मिल जाएगा, सरकारी मामला है, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम उनके बुराई नहीं करेंगे। लेकिन इतना हम सरकार से कहेंगे कि सरकार भी ध्यान नहीं देगी हमको तो लगता है। लेकिन अब हमारा कहना है जितने हिंदू के औलाद हो, कान खोल के सुनो हमारी बात को, तालिबान और पाकिस्तान वाले सुन रहे होंगे, समझ गए, वो तुमको क्या कहेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा कि तुम ससरे जब अपने धर्म के प्रति तुम सजग नहीं हो, है सही, तो तुम जब तुम अपने के नहीं हो तो तभी तो उनको मौका मिलेगा। सही बात भाई, गजनवी आया, उसने कहा देखा अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, उसने कहा ये क्या, ऐसा क्यों, सही सही, मिल के कहीं नहीं चलता, कहीं साहब एक सब एक दूसरे में बड़ा भेद भेद है, तो कहीं जब ये सब अलग अलग है तो हमसे मिलकर लड़े नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते, इसलिए सब बैठा वही चीज। आज भी तालिबान पाकिस्तान वाले इस वीडियो को देखते होंगे, ये देख लो ये हिंदू है, है? ये नहीं, आखिर बाबा लोग हैं, मंदिर जाने वाला कितना हिंदू है, लाखों करोड़ों में है कि नहीं है, सही, तो हर हिंदू वहां से बता दे कि बाबा जी हमने तो भाई आपने हमने जिंदगी लगाई हमसे सीखो, हमसे अगर आपने ज्यादा काम किया तो अब हमको सिखाओ, सिखाओ, हम सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। सही बात, गधे गधे तक की सेवा तो आप ही हैं, सुअर यार, सुअर गधा तो गधा है, गधा फिर भी देवी का वाहन है, नहीं सुअर तो विष्णु भगवान का अवतार है, नहीं अवतार तो है लेकिन सुअर को कोई छुआ, कोई कोई न हिंदू छूता है और मुसलमानों में तो नाम लेना हराम है। अब ये सुनिए, विष्णु भगवान के अवतार इसीलिए बनाया गया उनको कि कम से कम सुअर का सम्मान करो, सम्मान करो, आपने किया, कितना सामाजिक विरोध झेला झेला, कितना गाँव वाले साफ साफ कहें महाराज तुम्हार छुआ तो पानी न पी, हम कहा बड़ा अच्छा हुई बीमारी की तुम्हारे मुंह देखे से हम बच जाए, बच जाए, जब तुम पानी न पियो तो वही हो ना, जब तुम आओगे नहीं तो हम तुम्हारी शकल देखने से बच जाएंगे कि हमको पाप न लग जाए तुम्हारी शकल देख। अब आप ये बताइए बाबा जी कि आपने जो कार्य किया इसका विरोध में पूरा समाज था, फिर भी आपने किया किया, आज तो हमारे हम जो करते हैं मान लीजिए उसके सपोर्ट में कम से कम आप तो हमको मिल रहे हैं, मिल तो रहे नहीं सपोर्ट में मिल रहे हैं। और मेरा ये कहना, और आप भी एक बात गांठ मार लो, घर में कोई बोले परिवार में नाता में गोता में, कहो भैया मैं उनका शिष्य हूँ, सीधी सी बात, मैं उनका शिष्य हूँ, आप उनसे बात कर लो, आप उनसे बात करो, इसी बात करो कि उनकी बोलती बंद कर दो, सही, तो आपको 2 करोड़ मिल जाएगा और हम भी आपके, हम आपके शिष्य हो जाएंगे। आप उनकी बोलती बंद करो भाई, तमाम आदमी इकट्ठा हो, बड़े बड़े आवे, कैमरा आवे, पब्लिक आवे, भीड़ इकट्ठी हो, और वहाँ फिर हमारी आपकी तर्क वितर्क हो जाए, और एक तगड़ा भेद जरूर मंगा देना, ठीक, तगड़े एक भेद, ऐसा भेद मंगाओ जो टूटने न पावे, सही बात। तब अरे भाई हमारा सिर्फ एक मतलब है, एक सिद्धांत क्या है देखिए बाबा, एक मिनट, आप जो अपने लिए जैसा चाहते हो, आप दूसरे के लिए क्या आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप एक नंबर के बेईमान हैं। आपके हम कहें भैया हमको भगवान को खुश करना है और आपका हम गला रेटेंगे, आपको मंजूर है, कभी नहीं, नहीं है जब मंजूर आपको अपने लिए नहीं है
तो किसी निर्दोष का आप गला क्यों रेतते हैं? गला क्यों रेत रहे हो? सही बात है। क्यों जाके मंदिर में बलि चढ़ा रहे हो? सही बात है। देवी जी राक्षसों का खून पिया, बकरी बकरे का खून नहीं पिया, अब आप काली जी को बकरी और बकरे का खून चढ़ा रहे हो जाकर के, ये क्या है सब? खैर, तो कुल मिला करके हमारा ये कथन है कि हिंदू, जितने हिंदू हैं, आप केवल आवाज उठाओ, आपकी आवाज उठाने से गौ माता की रक्षा होगी सही मानों में। सही बात। सही मानों में क्या होगी? सारी गौओं को वहां रखा जाए गंगा के किनारे, प्राकृतिक रूप से रखा जाए उनको, और टूटे फाटे जानवरों के लिए, फूटे के लिए गौशाला बने, जगह बने, और जितने सेठ साहूकार हैं सब कोई चंदा लगा दे, सब कोई चंदा लगा के अपने पास रखे। सही। अस्पताल में हम लोग, आप वैकेंसी निकालिए, ये बात मैं ना हो गया बाबा जी का वो गांव का आदमी, गांव का आदमी या कोई खास आदमी, जो पसंद आवे तमाम एप्लीकेशन जाएगा, हम लोगों से पूछ लीजिएगा इसमें कौन काम चोर है, कौन अच्छा है, हम लोग उसकी रिपोर्ट आपको दे देंगे। एक प्राइवेट ड्रेसर अस्पताल, हम कल रात को लाइन पर बोले, एक ड्रेसर को बैठाओ, डॉक्टर की जरूरत नहीं जी, ड्रेसर जो होता है वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, श्री राम रहा पूरा डॉक्टर बन गया था, तब एक ड्रेसर को अस्पताल में बैठाओ, हम लोग जो जो जानवर आते हैं उनकी वो देखभाल करें, हम लोग केवल सुपरविजन करेंगे और रिपोर्ट दिखाएंगे। सही। रोज हम यूट्यूब पर डालेंगे, कभी जी। हम जाएंगे, कभी आप जाएंगे, जी जी ठीक। उसमें अगर कोई दवा नहीं है अस्पताल से ले, नहीं अस्पताल में दवा है, हम लोग खरीद के देंगे। हम लोगों से कहेंगे साहब अब हमने वो अपना अकाउंट नंबर ये रखा है, आपको जिसको जो मर्जी में आवे भेजो। और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बात, जितने भी मंदिर है वहाँ एक गौशाला हो। हाँ, है ना, हर मंदिर या वो उस मंदिर में ताला लगा दिया जाए, आपको करोड़ ये बात बोल रहे हैं, हर मंदिर में एक गौशाला, हर मंदिर में अगर गौशाला नहीं है उसके अगल बगल बनाइए आप, उसके नाम से बनाइए, ज्यादा दूर न जाना पड़े। हर मंदिर में एक गौशाला का होना अनिवार्य करिए, हर बड़े मंदिर में, हर मंदिर में तो इतनी बड़ी चवरिया में नहीं, जब मंदिर में भीड़ होती हो कैमरे से भीड़ दिखाइए और वहाँ एक गौशाला बनाइए, व्यवस्था करिए, गोवंश गोवंशशाला। सही सही ठीक। चाहे वो नंदी हो चाहे गाय हो कोई हो, कम से कम लोग जाए एक रोटी पहले क्षणा में, जैसे वैष्णो देवी में बिना भैरों के दर्शन करे, अब वहाँ जाना बेकार है ना। सही सही। इसी तरह पहले गौ माता को दर्शन करें, आप नहीं कुछ लेके आए हैं, आप जाइए उनको प्रणाम कीजिए, पैर छूइए और चले आइए, और कुछ लेके जाए तब उनको लेके आए, पहले उनको खिलाइए फिर मंदिर में चढ़ाइए, ऐसा नियम बाबू बन जाए। और नहीं हिंदुओं कान खोल के सुन लो, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, विध्वंस हो जाएगा हमारा, समझ गए? मर अपने आप में भगवान की ऐसा कोप होगा, ऐसा कोप हो जाएगा, मर जाओगे। सही बात। हिंदू हो क्यों, हम लोग विश्व को ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं। आज भी एक सनातन धर्म का एक बाबा है, एक पूरे वर्ल्ड को आज चैलेंज कर रहा है। सही बात। एक बेवकूफ ने मलायन बलायन, ओ आपकी भाषा ऐसी, हमका आप एक नंबर के बेवकूफ है, भाषा हमको तगमा, हमको इनाम नहीं लेना है किसी विश्व से, जो बोलेंगे एकदम खरी खरी बोलेंगे, कड़ुआ बोलेंगे, साफ साफ बोलेंगे, सत्य हमेशा कड़ुआ होता है, तब दुर्वासा तो हमेशा गहरे बोलते रहे, सत्य सत्य हमेशा कड़ुआ ही होता है, कड़ुआ ही होता है अगर वो 24 कैरेट का सत्य है। तब क्योंकि सत्य अगर अगर रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि अगर वैद्य जो है वो आपसे असत्य बोलेगा, है ना, और गुरु आपसे असत्य बोलेगा, भाई प्रेमवश या फिर भयवश, तो उससे आपका भला नहीं होगा, भला नहीं होगा, वो आपका बैरी है, बैरी है। हाँ। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि गुरु वैद जो है, और राम काल्पनिक थे, तो हमने कहा भैया कुछ फटे पुराने जूते हैं तुम्हारे उसको ले आओ, उसको ले आओ और हमारे सवालों के जवाब दो कि शनि मंगल हमको क्यों मिला। अच्छा मान लीजिए नहीं नहीं एक मिनट, शनि मंगल हमको क्यों मिला, हमें हमें क्यों मिला ये बताओ। सही बात। राम सिंह के गांव में जहाँ इतनी बड़ी चौतरा रहा है, हनुमान जी की मूर्त थी, और वहाँ लखनऊ के डिजाइन का मंदिर बन गया, हनुमान जी ने किया, अमेरिकी वैज्ञानिक हमारी बात उसको अच्छे लग गई, आ गया आ गया, तब सारा पैसा उसने 3.5 लाख रुपया लगा दिया और ज्यादा लगा दिया। सही बात। मंदिर बन गया, 11 बंदरगाहें हैं,
अब चूंकि उनका उपयोग उस धन से कोई करने वाला नहीं, सही। अब ठाकुर साहब को मुकदमे से छुट्टी नहीं मिलती, क्या करें, उनके खून में है मुकदमा लड़ना ये करना, ठीक। अब सब पुराने जिम्मेदार रहे, ठीक बाबा जी, लंबी तो वाणी को विराम देने के पहले हम लोगों से ये कहेंगे कि आप लोग केवल आवाज उठाइए, सारे जितने बड़े लोग हैं उनसे मांग कीजिए कि आप लोग बड़े लोग दो चार आदमी आओ, एक ब्रेसर रखें, आप वहाँ से आइए अखबार में विज्ञापन दीजिए, है ना, कि यहाँ एक ब्रेसर को जरूरत है, उसको ये सैलरी दी जाएगी, ज़्यादा सैलरी मत रखो, ज़्यादा रखोगे गाड़ी नहीं चलेगी, उचित रखो। तो बहुत ही रिटायर घूम रहे हैं, एक से एक बेरोजगार घूम रहे हैं भाई, कंपाउंडरी पास किए हैं, नौकरी नहीं मिल रही, और एमए है, बीए है, तो लो भैया दो 10,000-12,000 मिलेगा तुमको, दिन भर वहाँ बैठो और जो है उनकी मलहम करो, पट्टी करो, पानी पिलाओ, चारा। उनका काम केवल यही रहे कि वो जितने भी लावारी से बस उन्हीं को देखें, बस उन्हीं को नहीं और क्या, उनको देखेंगे तुरंत हम लोग रिपोर्ट करेंगे, उनका केवल कोई अच्छे जानवर, केवल लावारी और टूटे फूटे जानवर, और उनको पानी पिला। अगर आप लोग, अगर हिंदुस्तान वालों जो भी हमारी इसको सुन रहे हो, ज्यादा इसको लाइक नहीं करोगे, इसको फॉलोअर नहीं करोगे, आप पाप के भागीदार होंगे, करोड़ों लोग इसको फॉलो करो, करोड़ों लोग लाइक करो, क्यों तुम्हारे कह देने मात्र से इतना बड़ा पुण्य होगा, एक तड़पती हुई गाय की सेवा कर देना ये मामूली बात है, भोजन सिंह का ये पगला गए हैं, इनको स्वाद लग चुका है। अब बोलिए आपसे कोई आपसे पिता जी कह रहे कि कल से तुम गाय और बंदर भोज नहीं करोगे, आप मानेंगे, आप घर छोड़ दोगे, आप छोड़ देंगे कि नहीं? अरे बाबा जी, अब हमको तो करना ही नहीं, आपको घर, आप भले पिताजी के जैसा, पिताजी हम जाके कहीं कमा खा लेंगे, इतना आप ही ने हमको बनाया है, ठीक, हम नमक रोटी खाएंगे लेकिन हम हनुमान जी की सेवा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा खड़ा हूँ। ये तो आप बिल्कुल सही है ना, ये तो बिल्कुल बात सही है, सही है ना। अरे मैं ये बात तो आप याद दिला देते हैं ना बार बार, 5 साल में कितने डॉक्टर, कितना कहां, ये जांच, वो जांच, ये ब्लड टेस्ट, हाँ। ये स्टूल टेस्ट, ये लूट लिए होंगे, लूटना बात अलग है, दिन भर परेशान रहता था, परेशान, हाँ। समझे आप, फिर पता नहीं कहां से है जो बंदर के बारे में एक लोग बात करने लगे, फिर बंदर भोज कराना मैंने चालू किया, उसके पहले भी मैंने कई चीज कराए, किसी ने कुत्ते को कहा, किसी ने ये कहा, कोई काम नहीं, है ना। तो बाद में जब बंदर के बारे में हमसे एक लोग कहें, ठीक, और फिर वहां मंगल, मंगल, हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि हमारे पिताजी कराए, उनके साथ ये चमत्कार हुआ, हम दूर से ही सुन रहे थे, फिर हम बंदर सोचे कहाँ मिलेंगे, बंदर हम ढूंढने निकले, हमारी बहन ने बताया कि हम ट्यूशन जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ खूब सारे बंदर हैं, अच्छा बंदर खिलाने आए और आपसे मुलाकात हो गई, खिलाने के शुरुआत में ही आपसे मुलाकात हो गई हाँ। और आपने जो और हमको इस चीज के बारे में बताया हाँ। डिटेल से नहीं, खिलाने खिलाने इलाज करा, इलाज कराना, और कितने बंदरों को आपने पकड़वाया, काले मुवाले बंदर आपके यहाँ एडमिट थे, अब आए यही कमरे में बंद था बेचारा। तो उसके बाद जब मैं मात्र 2 महीना में बता रहा हूँ, मात्र 2 महीना मैंने खिलाया है, वो भी मंगल शनिवार, बंदर भोज मात्र 2 महीना, हाँ। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो बीमारी है 5 हाँ, साल से जिससे हाँ, मैं कष्ट में हूँ, आत्महत्या के लिए सोच लिया, हाँ, उससे मुझे राहत मिल रही है हाँ, हमको लगा था कि 4-5 साल खिलाएंगे हाँ, तो उसके बाद कहीं चमत्कार होगा हाँ, क्योंकि मैं मंदिर वगैरह अभी 5-6 साल से जा रहा हूँ। सुनो अंधो हिंदुओं, तो कान खोल के सुन ले, क्या ये लड़का क्या बोल रहा है। मात्र 2 महीने में हाँ, हम देख रहे हैं कि जिस बीमारी से मैं इतना परेशान था हाँ, कि मैं भोजन नहीं कर पा रहा था, सो रहा हूँ पूरा दिन और दिक्कत में हूँ, और उससे मुझे इतनी राहत मिल रही हाँ, और इतना अचंभा अचानक से चमत्कार हाँ, तो फिर हम एकदम से इस चीज के प्रति जो है एकदम जागरूक हो गए, एकदम मैं लग गया पीछे, लग गया हाँ। हम कहें ये तो बजरंग बली की असली कृपा हो गई हमारे ऊपर, नहीं लगे और ऐसे ढंग से लगे हाँ, कि अभी रायबरेली में अपनी जेब से हाँ, सही करने वाला अभी रायबरेली में कोई पैदा नहीं हुआ। घर अब जान जाओ, घर में हमारे कहीं अनार, कहीं केला, कहीं ये वो दुनिया भर का लाते रहे, मैं आपको टोकते भी रहे, सही हाँ सही, कभी अंगूर लेके आता था मैं पहले, हमने कहा भैया आप हमेशा सब करिए दे रहे हो, ना कमाई ना धमाई है, ये कैसे क्या कर रहे हो भाई, इतना आपका भाई, अच्छा हमारा मकसद पेट भरो, पेट भरना, बस पेट भरो इनका। और सुनिए,
हमारे आप ये खुद ही सोच लीजिए कि जिस परिवार का एक अकेला लड़का जो है 18-19 साल की उम्र में दिक्कत में आ जाए तो कितना परिवार में दुख का माहौल रहेगा। हाँ। हमारे परिवार में अचानक से एकदम खुशहाली हो गई, चारों तरफ जो है हर तरफ से है जो हम लोग को है जो खुशी मिलने लगी, हर तरफ से तरक्की। तो वही चीज मैंने देखा कि अभी जो लोग कहते हैं कि चीजें असंभव होती हैं, जो मेडिकल साइंस जो चीजों को असंभव, आज भी मैं कैमरे में जो लोग देख रहे हैं, कोई भी ऐसी परेशानी जिसको आप असंभव समझते हैं, अगर आपको लगता है कि वो चीज असंभव है तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से जो है आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है। और जैसे बंदर खिलाने से हमको रास्ता मिला, तो ऐसे ही कोई ना आप लोग भी है जो खिलाइए, बड़ी से बड़ी है जो विपदा संकट से आप है जो आराम से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक धार्मिक बात है। आज तो लोग साइंस की बात करते हैं, हम भी साइंस पे ही बहुत विश्वास करते थे, मैं भी है जो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे मेडिकल साइंस पे बहुत विश्वास था कि कुछ भी हो जाएगा, आज के समय में हर चीज का इलाज है। लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, नहीं है, और वो चमत्कार पे ही आधारित होता है। और चमत्कार कैसा, जैसे किसी सेवा से मैं जुड़ा, जब इनकी सेवा से मैं जुड़ा तो हमारे साथ एक तरह का जो है चमत्कार ही हुआ है ये, वरना फिर अब एक मिनट एक सेकंड हम ये बोलेंगे जी एक रहे पंडित जी अध्यापक रहे और उसके बाद वो कुछ मकान का दलाली वाला काम किया जी तो खूब पैसा आ गया मजे का। तो एक बार जब हम उस जमाने में लौटी टीका लगाए तो कहें महाराज ये राम राम ये बनियन के आए, हम बभनन के थोड़े आए, अमर रहे दुर्भाग्य से, ये तो बनियन के आए, सवेरे सवेरे राम राम सुनावत हो लोगन का, ये तो बनियन का काम आए, हमसे कहा तो हम कुछ बोले नहीं, चुप रहे, हमने कहा क्या फायदा बहस करेंगे, हम कुछ बोले ही नहीं। और 6 महीने के बाद देखा अचानक मर गए वो। अरे अगर कोई आदमी आपका दिल दुखावे, परिवार का हो या करीबी हो, तो कुछ बोल जरूर देना। सही। हमने एक किस्सा बांदा का बताया था ना, एक सिपाही था नाव में बैठ के आ रहा था, सुना बताया है ना जी। अब एक बाबा को सिपाही ने कहा अरे बाबा हट, तो बाबा वहीं बैठा नाव में, और दो पुलिस वाले रात का गश्त करके इस पार आ रहे थे जमुना जी में, और जमुना जी की मिट्टी बड़ी चिकनी और बड़ी फिसलन वाली होती है और बड़ी मजबूत भी होती है, तो बाबा हट और बाबा नहीं हटा, और उसने पुलिस वाले ने एक झांपड़ मार दिया उसको, अरे उसी बाबा को, और वैसे पकड़ के फिर भी कुछ बोला नहीं, तो वो नाव वाला चल आया, अरे बाबा कुछ बोल, तो नाव वाले को माँ बहन की गाली दिया पुलिस वाले ने, क्या इसे क्या तू बोलवाना चाहता है, मतलब इसको तू भड़का रहा है। कहीं नहीं साहब, अगर ये न बोली है तो बहुत बड़ा आपके नुकसान हो जाए, चल चल माँ बहन की गाली दिया, चल नाव चला ठीक। अब आए और बल्लम, उस समय राइफल कहाँ मिलता था, यही भाला, तो एक जो साहब थे वो जो नहीं मारे थे वो भाला यूं टेका और नाव पर से उछल गए, ताकि हम वहाँ उस पार, भाई नौजवान उछल जाएंगे तो कीचड़ में ना उतरना पड़ेगा। जिन्होंने मारा था उन्होंने वही क्रिया किया, और जैसे उछलना चाहे तो वो थोड़ा फिसल गया, लाठी फिसल गई और भाला पेट में घुसा, इस पार निकल गया। बस उसने ना जोसा सिपाही चलाए, भीड़ आई, उसने बाबा गाया और नाव वाला खड़ा, कहीं साथी से कहा नाव वाले से, कहीं ना देखो तुमने ठीक कहा था, ठीक कहा, कहीं साहब हमारे, कहीं ना ये बताओ पुलिस के आदमी, हम नाव चलाने वाले, हम होगा माँ बहन की गरी आई, सही कहे बाबा कुछ बोल, इसलिए अगर कोई तुम्हारा करीबी कोई कटु वचन बोले तो कुछ बोल जरूर देना, वरना वो मर जाएगा, सही, उसका नुकसान हो जाएगा भारी। सही, ये है चमत्कार, हिंदुस्तान के लोगों देखो निस्वार्थ काम करो। सही, एक 4 दिन से हमने सुखो बहु से आटे के लिए कहा, अब हम उनसे खुशामद करें, हम खुशामद अब नहीं करेंगे, हम जाएंगे सिकरिया सेठ के यहाँ और कहेंगे महाराज बंदर के लिए आटा चाहिए हमको। जी बाबा जी, बाबा जी इसको बंद करते हैं, लेट हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।